वेलकम बैक। और सबसे पहले आपको खबर देंगे कि पूरी कौम आज यौम दिफा पूरी जोश जज्बे के साथ मना रही है। और इस दिन 55 साल पहले दुश्मन ने इसी रोज मुकम्मल जंग का ऐलान किया था और हम लोग को नाकाम बनाकर धरती के मुहाफिजों ने मुंह तोड़ जवाब दिया था और सैकड़ों भारतीय फौजी भी कैद कर लिए। यौम दिफा पाकिस्तान पर जीएचक्यू रावलपिंडी में यादगार शहदा पर तकरीब हुई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए हैं और फातिहा खानी भी की है। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यादगार शहदा पर यौम दिफा की तकरीब हुई है। नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। मुल्क भर में आज यौम दिफा पाकिस्तान इंतहाई जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से जीएचक्यू में तकरीब हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शहदा पर फातिहा खानी की। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहदा को सलामी पेश की। नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में भी यादगार शहदा पर यौम दिफा की तकरीब हुई। नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। तकरीब के आखिर में नेवल चीफ ने शहदा के अहले खाना से मुलाकात भी की। कबल अजीज सरबराह पाक बहरिया ने अपने पैगाम में कहा कि 6 सितंबर का दिन हमारी तारीख का एक सुनहरा बाब है। ये दिन हमें पाकिस्तानी कौम और अफवाज के गैर मुतजलजल आजम और बहादुरी की याद और शहदाए गाजियों की बेमिसाल बहादुरी और कुर्बानियों का गमाज है, जो दुश्मन की अददी बर्तरी के बावजूद साबित कदम रहे और इसके नापाक अजायम को खाक में मिला दिया। आगे बड़े अपडेट करें कि मुल्क भर में यौम दिफा यौम शहदा पाकिस्तान कौमी जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मज़ारे कायफ़र गास की तदरी की पुरवकार तकरीब हुई है। पाक फिजाई के चाको चौबंद दस्ते ने एजाजी गास के फराइज भी संभाल लिए। लाहौर में मज़ारे इकबाल और नेवल हेडक्वार्टर से इस्लामाबाद में तकरीब बात हुई।
वेलकम बैक। और यहाँ आपको बताएंगे, कराची में ऐसे दोबारा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि क्या जिम्मेदारी होगी, वफाक की क्या जिम्मेदारी होगी, तो उसमें तकरीबन तमाम मंसूबों के ऊपर इत्तफाक था। एक दो ऐसे मंसूबे थे जिसके ऊपर इत्तफाक और उसकी वजह से ये जरा सा वो बहस तलब मामला हो गया कि वफाक ज्यादा पैसे लगा रहा है इस पैकेज के अंदर, ये सूबा ज्यादा पैसे लगा रहा है। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझसे ये कहा कि देखें, ये उस बहस में पड़ जाएंगे कि ये देखो जी, ये तो वफाक ने ज्यादा पैसा लगाया। मैंने कहा अच्छा, ऐसा करते हैं, ये जो मंसूबों की बातचीत हो रही है हमारी बात में जारी रहेगी, तो हम ऐसा करते हैं कल जब हम ऐलान करते हैं तो हम उसके अंदर ऐलान के अंदर ये बताते नहीं कि वफाक क्या कर रहा है, सूबा क्या कर रहा है, सिर्फ उसी स्पिरिट को कायम रखने के लिए जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। क्योंकि अगर वफाक ये काम खुद कर सकती तो हम अभी तक कर चुके होते, अगर सूबे के लिए मुमकिन होता ये काम बजाते खुद करना तो वो कर चुके होते। लेकिन क्योंकि हम दोनों बोल रहे हैं कि हमें एक दूसरे की जरूरत है, पाकिस्तान के और खसूसी तौर पर कराची के अवाम की जरूरियात को पूरी करने के लिए, तो फिर ठीक है, फिर इसी जज्बे के साथ जो है हम अवाम के सामने ये रखते हैं कि ये हम काम करने जा रहे हैं और मुश्तरका तौर पर करने जा रहे हैं। क्योंकि बुनियादी बात यह है, ये रेस नहीं है कि किसने पैसा कितना लगाया और कितना नहीं लगाया। हमने तो इस बात पर इत्तफाक कर लिया, लेकिन जैसे ही यहां से खत्म हुई कल प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरे पास पैगामात आना शुरू हो गए कि जी वो पीपल्स पार्टी की सोशल मीडिया टीम ने ये शुरू कर दिया है, वो कह रहे हैं जी कि 800 अरब रुपए जो है वो तो सूबा लगा रहा है, तो वफाक क्या कर रहा है। फिर वो एक टेबल भी आ गया, उसके अंदर 36 अरब रुपए सिर्फ वफाक के लिखे हुए थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, उनको सोशल मीडिया पर करने दो, बच्चों को जो मर्जी कर रहे हैं, उनकी टीम कर रही है, उनको करने दो, ये हम माहौल नहीं खराब करना चाहते। लेकिन उसके बाद मुझे एक क्लिप भेजा गया और वो क्लिप जो है वो पीपल्स पार्टी के किसी एमपीए का क्लिप नहीं था, वो पीपल्स पार्टी के किसी आम एमएनए का क्लिप नहीं था, वो पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन का क्लिप था। और उसमें वो ये कह रहे हैं कि 1100 में से 800 अरब रुपए तो सूबा दे रहा है तो वफाक को सिर्फ 300 अरब दे रहा है। तो मेरी ये उम्मीद होती कि वजीर आला ने जो हमसे बात की थी और जो हमसे कहा था जिस बात पे इत्तफाक राय करने के लिए, वो अपने लीडर से भी कर लेते। मैं उनसे गिला नहीं कर रहा हूं, राज शाह ने, चीफ मिनिस्टर ने उसके बाद कोई ऐसी बात नहीं की है जिसके ऊपर हमें एतराज हो, लेकिन क्योंकि चेयरमैन ऑफ द पार्टी ने एक बात की है इसलिए हमने ये जरूरी समझा कि रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए आपके सामने हम आए और आपको बता दें कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। अब मैं आपको बता, बाकी वसीर असद उमर जो है वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सदर मुमलिकत और वजीर आजम ने यौम दिफा के मौके पर अपने पैगामात में कहा है कि अजली दुश्मन आज भी हमारे खिलाफ जारहाना अजायम रखता है, हक खुदारादगीर के हुसूल तक कश्मीरियों का साथ देते रहेंगे, भारत पाकिस्तान के अम्न की ख्वाहिश को कमजोर ना समझे। वफा की तस्वीरों तुम्हें वचन की हमारे सलाम कहती है। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौम के नाम खसूसी पैगाम में कहा है कि आज पूरी कौम शहदाए वतन को सलाम और उनके अहले खाना के जज्बा इस्तकलाल को खराज तहसीन पेश करती है। वतन अजीज के लिए जज्बा कुर्बानी 1965 से हमारे दिलों में जिंदा है, फखर है कि इसी जज्बे की बदौलत हम बहुत से इम्तहानों में सुरखरू हुए। आरिफ अलवी ने कहा कि पाक अफवाज की पेशा वराना महारत जज्बा ईमानी ने पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बना दिया, हमारी अफवाज सरहदों की हिफाजत मुल्की इस्तेहकाम में भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। हमने खित्ते के अमन और सलामती के लिए मस्बत कोशिशें की है, हमारा असली दुश्मन आज भी हमारे खिलाफ जारहाना अजायम रखता है, दुश्मन अंदरूनी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की खुफिया साजिशों में मुलव्विस है, मुल्की दिफा और सलामती पर हरगिज समझौता नहीं करेंगे।
वजीर आजम इमरान खान का यौम दिफा पर अपने पैगाम में कहना था कि 6 सितंबर का दिन पाक अफवाज की जरूरत अजम और एसार की अलामत है। मुसल्ला अफवाज ने साबित किया कि मादर वतन के दिफा के लिए हम वक्त तैयार हैं। 1965 में कौम और अफवाज ने साबित किया कि हुजम नहीं जज्बा और बहादुरी अहमियत रखती है। इमरान खान ने मजीद कहा कि भारत ने कश्मीर में दहशत करती और खौफ का राज मुसलत कर रखा है। भारतीय गैर कानूनी इकदाम अकवाम मुत्तहदा के मंशूर के खिलाफ वर्सी है। भारत LOC पर जारहाना तर्ज अमल का मुजाहरा कर रहा है। पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझे। वजीर इत्तेहादुन नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने अपना वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि अपने शहादत और गाजियों को सलाम पेश करते हैं। शहादत ने मादरे वतन के दिफा के लिए शहादत का जाम पिया और इस आजम की तजदीद करते हैं। कश्मीरियों के साथ खड़ा रहेगा वजीर आजम, हर फॉरम पर कश्मीरियों की वकालत करते रहेंगे। पाकिस्तान कश्मीरियों की सिफारिशी और इखलाकी हमायत भी जारी रखेगा। ए वतन तू सलामत रहे, शाद रहे, आबाद रहे, पाकिस्तान बाइंदाबाद। हम अपने शहीदों और गाजियों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने मादर वतन के तहफ्फुज, दिफा और सलामती के लिए शहादत का जाम दिया। आज के दिन इस अज़्म की तजदीद भी करते हैं कि पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ डटकर खड़ा है और खड़ा रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हर फोरम पर कश्मीरियों की वकालत करते रहेंगे और पाकिस्तान उनकी भरपूर सियासी और सफारती और इखलाकी इमदाद जारी रखेगा। ऐ वतन तू सलामत रहे, शाद रहे, आबाद रहे, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुल्क भर की तरह जुड़वा शहरों में भी 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। शहरियों ने अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। तफसीलात बता रहे हैं नवीद खोखर अपनी इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह जुड़वा शहरों में भी यौम दिफा पाकिस्तान रिवायती जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मरकजी तकरीब GSU रावलपिंडी में हुई जहां चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने शोदा की कब्र पर फूल चढ़ाए और फातह खानी की। इस मौके पर शोदा को खराज अकीदत पेश किया गया। शहरियों की जानिब से कौम के बहादुर सपूतों की कुर्बानियों का एतराफ भी किया गया। यौम दिफा के मौके पे अहले वतन को सलाम पेश करता हूं और फख्र करता हूं अपनी कौम पे, अपने मुल्क पे और अपनी अफवाज पे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम, हमारी फौज पूरी दुनिया में मानी हुई कौम है। शहरियों की जानिब से ये भी कहा गया कि कौम मुसल्ला अफवाज के साथ हमेशा सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी होगी। हमें अखलाकी, मुआशी और माशरती तौर पर अपनी अफवाज की भरपूर हिमायत करनी चाहिए। इंडिया मेरे ख्याल में भूला नहीं होगा, पैसे उसे याद होगी, तो उसे यही मैसेज देना चाहते हैं कि याद रखना 1965 की जो अजीम कुर्बानियां हैं जो हमारी पाक अफवाज ने दी थी, यकीनन वो भुलाई नहीं जा सकती। अभी भी मुश्किल वक्त हमारा पाकिस्तान गुजर रहा है। अंदरूनी तौर पर, बैरूनी तौर पर हमें दुश्मनों का सामना है। इंशाल्लाह हम हमेशा अपनी फौज के साथ हैं। यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर जुड़वा शहरों में पूरा दिन जश्न का समा रहा। 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान हर साल ये पैगाम लेकर आता है कि मुल्क के सरहदों के मुहाफिज दुश्मन की हर चाल से वाकिफ हैं। ये दिन हमारे दुश्मनों के लिए किसी क़यामत से कम नहीं था। कैमरामैन नुमान आशिक के साथ नवीद खोखर, रोज न्यूज, इस्लामाबाद। 6 सितंबर 1965 को पाक फौज ने बहादुरी के जौहर दिखाए जिससे हमारे दुश्मन भारत पर आज भी लरसा तारी है। तफसीलात के लिए देखते हैं आमना जंजवा की ये रिपोर्ट।
नवंबर हमारे लिए वो काबिल फख्र तारीख है जब बहादुर पाक फौज ने 1965 को भारतीय फौज को दिन में तारे दिखा दिए और भारत का नापाक मंसूबा नाकाम बना दिया। तख्ताओ तख्त में से एक चुना करते हैं, हम अजब शान से दुनिया में जिया करते हैं। तोप क्या चीज है, बंदूक किसे कहते हैं, हम तो टैंकों की सफे चीर दिया करते हैं। अजीम सपूत मेजर अजीज भट्टी समेत हजारों फौजी जवानों ने भारतीय सूरमाओं को ऐसा जवाब दिया कि वो उल्टे पांव भागते नजर आए। इस्लामाबाद के शहरियों का कहना है कि हमें पाक अफवाज पे यकीन है कि वो आइंदा भी हमारी सरहदों की हिफाजत करेंगे। 6 सितंबर 1965 का दिन जो है वो हमें हमेशा याद रहेगा और ये दिन वो दिन है जिसमें पाकिस्तान आर्मी ने इंडियन आर्मी को नाकू चने चुपाए। हमारा पाव जो है आज भी जले रहे, इंशाल्लाह वो आइंदा भी ऐसा करता रहेगा। अगर इंडिया ने बुरा अनको से भी दिया करा, हम लोग उसका जो है सब कुछ तस्वीर कर लेगा। आज पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा किरदार अदा किया, एक बहादुरी का किरदार अदा किया और दुश्मन की फौजों को नेस्त नाबूद करके पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है और इंशाल्लाह ता कयामत कायम रहेगा। यौमे दिफा पाक फौज की बहादुरी और पूरी कौम की वलवला अंगेजी से इबारत है। कैमरामैन नुमान आशिक के साथ आमना जंजुआ, रोज न्यूज इस्लामाबाद। 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान उन बहादुर सपूतों की याद दिलाता है जिसने दुश्मन की जाहियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया। खैबर पख्तूनख्वा के अरकीन सूबाई असम्बली ने भी वतन की सलामती और तहफ्फुज की खातिर अपनी जानें कुर्बान करने वाले शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। देखते हैं पेशावर से मोहम्मद एजाज खान की रिपोर्ट। छह सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान, जब हमारे शेर जवानों ने दुश्मन के नापाक अजैम को खाक में मिला दिया। इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के अराकीनी असम्बली क्या कहते हैं, आइए इनसे बात करते हैं। 6 सितंबर से हवाले से मेरा ये पैगाम है तमाम पाकिस्तानी कौम के लिए कि ये मुल्क काफ़ी मुश्किलात के बाद हमने हासिल किया है, इसकी हिफाजत के लिए हम सब मिल कर काम करेंगे इंशाल्लाह और उस पर किसी किस्म के आंच नहीं आने देंगे। आज 6 सितंबर है, आज ये दिन हमें याद दिलाती है कि हमें अपने मुसल्लह फौज को मुस्तहकम करना चाहिए और इसके साथ साथ पाकिस्तान की बका, इसकी सलामती और इसके दिफा के लिए कमर बस्ता और यकसू होना चाहिए। तमाम अपने अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करती हूँ, मैं उनके खिदमात को खिराज तहसीन पेश करती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि हमारे बॉर्डर्स पे लड़ने वाले हमारे तमाम वो अफवाज पाकिस्तान के सिपाही हमारे लिए बहुत ज्यादा काबिल एहतराम है। 6 सितंबर चूँकि यौम दिफा पाकिस्तान के तौर पर मनाया जाता है तो इस दिन के ऊपर मैं अपनी अफवाज पाकिस्तान और जितनी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और फोर्सेज हैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ, उनकी कुर्बानियों को, उनकी शहादतों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। आज 6 सितंबर के दिन उन तमाम शहदा को खराज अकीदत पेश करती हूँ जिन शहदा ने जो फोर्सेस में हैं उन्होंने अपनी जानें, चाहे सिपाही से लेकर बड़े अहदे तक जिन्होंने अपनी जानें इस वतन पे कुर्बान की हैं, तो मैं उनको सलाम अकीदत पेश करती हूँ। मेरी तरफ से 6 सितंबर के हवाले से ये पैगाम है कि हमारी कौम ने, हमारे फौज ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और इस मुल्क की खातिर इंशाल्लाह हम मुत्तहिद हैं, मुत्तहिद रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान एक नाकाबिले तस्खीर कुव्वत है और इसका दिफा भी मजबूत हाथों में है। कैमरामैन सैयद शहजाद काजमी के साथ मोहम्मद एजाज खान, रोज न्यूज पिशावर। पाकिस्तानी फौज के जवान है हम, अपने मुल्क को काम के निगेबान है हम, पाकिस्तानी फौज के जवान है हम। सितंबर 1965 में बीआरबी नहर ने लाहौर के दिफा में अहम किरदार अदा किया है जबकि पाक फौज की 3 बटालियन ने दुश्मन के कदम बीआरबी नहर पर रोकने के बाद दुश्मन को दूर भगा दिया। हमारे नुमाइंदे कासिम अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी कासिम, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ले रहा हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। तो ये बीआरबी नहर है और ये वो मुकाम है जहां पर 3 बटालियन पाक फौज की, उन्होंने इंडियन फौजियों को जो है यहाँ पर भरपूर मुकाबला किया और उनको वापस जो है भेजा और यहाँ से मूव पाक फौज ने किया और आगे रवाना हुई। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर इस वक्त जो है वो ये समय है कि 6 सितंबर के शहदा को
सलाम पेश करने के लिए यहाँ पर हुसैनिया स्काउट्स के नौजवान लड़के ये मौजूद हैं। तो मैं इनसे बात करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, कि आज जो है वो जंगे सितंबर का दिन मनाया जा रहा है यौमे दफा, तो क्या जज्बात है आपके? हम इसी जोश और जज्बे के साथ यहाँ पर हाजिर हुए हैं कि ताकि अपने शहदा जो है 6 सितंबर के उनको खराज अकीदत पेश कर सके और उनकी रहनुमाई में उनके खिदमत जो है कौम की खिदमत कर सके। तो मेरे साथ यहाँ पर सैनिक स्कॉट के सदर मौजूद हैं, अनवर जादी साहब, बताइएगा कि ये वो मुकाम है जहाँ पर इंडियन फौजियों को पाकिस्तानी फौजियों ने ललकारा और उनको आगे नहीं आने दिया। थर्ड बलोच रेजिमेंट जो थी ना, उसको यहाँ उसने अपने पूरे इंडिया की जितनी आर्मी आ रही थी उसको यहीं पर रोका है और यहीं पर वो उसका तूड़ी का भरा हुआ और भूसे का भरा हुआ गढ़ था जिसके पीछे हमारी एंटी टैंक शिकन जो थी ना राइफल, उससे उन्होंने इनका शिकार किया जिससे उनके मुंह मोड़ गए तो ये जज्बे हैं यहाँ पर नौजवान स्काउट्स के। तो नौजवान स्काउट्स कौन बात करेगा मुझसे जी, आप बताइएगा कि ये जज्बा जो है वो कायम रहना चाहिए। जी बिल्कुल, ये जज्बा कायम रहना चाहिए और हमें दुश्मन का डट कर मुकाबला करना होगा, किसी भी महाज पर हों वो, हमें उनका मुकाबला करना है। और जिस तरह ये शोहदा ने कुर्बानियाँ दी हैं, हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं और आइंदा भी इसी तरह हम अपने वतन का दिफा करते रहेंगे, इसी तरह अपने वतन का दिफा करते रहेंगे। ऐ बुज़दिल भारत, सुन लो, ये हैं पाकिस्तान के वो सपूत जो तुमसे लड़ने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर लाहौर शहर में यादगार शहदा पर शहरियों का रश लग गया है। जज्बा मुहिबुल वतनी से सरशार शहरी कौम के सपूतों को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे यादगार शहदा पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी कैस चौधरी, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में यौम दिफा पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है और कौम की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। मैं इस वक्त लाहौर शहर में बनाई गई यादगार शहदा पे मौजूद हूँ। यहाँ पे कसीर तादाद में शहरी आ रहे हैं, अपने वतन से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और जिन जवानों ने इस वतन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया उनको खराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं और फूलों के गुलदस्ते भी उनकी यादगार पे चढ़ाए जा रहे हैं। मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात भी करते हैं इस हवाले से कि वो क्या कहते हैं। जी क्या कहेंगे जी आज के इस यादगार दिन के हवाले से, आप यादगार शहदा पे आए हुए हैं और फूलों के दस्ते भी पेश कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं रोज न्यूज का शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात यह है कि अफवाजे पाकिस्तान जिन्होंने 1965 में अपनी जानों का नजराना पेश करके हमारा दुश्मन भारत उसका मुंह काला किया, अफवाजे पाकिस्तान ने हमेशा ही अपनी जानों का नजराना पेश करके मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत की है। आज 6 सितंबर को हम सब भाई इधर इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि अपने 6 सितंबर के शहदा की अजमत को सलाम पेश कर सकें और हम सलाम पेश करते हैं उन शहदा की अजमत को। अफवाजे पाकिस्तान चाहे वो एयरफोर्स की हो, जनाबे वाला बरी फौज हो, बहरी फौज हो, तमाम अफवाजे पाकिस्तान की अजमत को सलाम पेश करते हैं और 6 सितंबर के आज इस दिन के मौका पर हम सब भाई तमाम मुसलमान और पाकिस्तानी हम इस बात का इरादा करते हैं, अजम करते हैं कि पूरी दुनिया पे जहां जहां पे मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है चाहे वो कश्मीर हो या कोई हो। ये बताइएगा कि लाहौर शहर जब 1965 की जंग लगी थी तो लाहौर शहर के जो शहरी थे वो सड़कों पे आ गए थे, जंग के महाज पे पहुंच गए, आज भी जज्बा वैसे ही है? बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान की अवाम का जज्बा 1965 की जंग में भी बहुत ज्यादा था और बहुत ज्यादा था, आज भी जज्बा कम नहीं हुआ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना शहरी आज भी उसी तरह पुरजोश। जी शुक्रिया कैश चौधरी इस हवाले से अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ना अपडेट करें कि जंग से तंबर 1965 में वतन पर अपनी जान कुर्बान करने वाले वो नामालूम शहदा जिन्होंने वतन पर अपनी जान कुर्बान कर दी। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आजम बाजवा इस वक्त मौजूद हैं जनरल मोड़ के ऐसे कब्रिस्तान में जहां जंग सितंबर के नामालूम शहदा मदफन है। जी आजम बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आज से 55 साल पहले बुज़दिल भारत ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर हमला कर दिया था और पाकिस्तानी कौम के सपूत पाक अफवाज के जवानों ने भारत के इस हमले को जो है वो नाकाम बनाया और भारत को जो है नाको चने चुपाए और भारत के जो मजमूम अजाइम थे उन्हें
बिल्कुल खाक में मिला दिया है। मैं इस वक्त ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जो कि नामालूम शोधा है। ये वो शोधा है जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके भारत को जो है वो इबरतनाक शिकस्त दी और पाकिस्तान को जो है वो महफूज रखा और पाकिस्तानी कौम को फतह दिलाकर पाकिस्तानी कौम का सर जो है वो फख्र से बुलंद कर दिया। और इस नामालूम शोधा के कब्रस्तान में मौजूद हूँ और यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करते हैं कि आज के दिन के हवाले से उनका क्या कहना है। सर 6 सितंबर 1965 क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी सर, 6 सितंबर 1965 को रात की तारीकी में बुज़दिल भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो हमारे ये सपूतों ने, हमारे जवानों ने, हमारी बहादुर अफवाज ने हमारी सरहदों का न सिर्फ दफा किया बल्कि अपनी जानों का नजराना भी पेश करके हमारे पाकिस्तान को हमेशा के लिए महफूज किया। ये वो नामालूम, इनमें कुछ नामालूम भी शहदा है, कुछ मालूम शहदा भी है जिनके ये यादगारें हैं। हम उन पर आज नजराना अकीदत पेश करने आए हैं, उनको खराज तहसीन पेश करने आए हैं। तो मैं इन बहादुर सपूतों को सलाम पेश करता हूँ। मैं इन बहादुर सपूतों को सलाम पेश करता हूँ। बुजुर्गों, आप यहाँ पर आए हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? इस हवाले से ये अगर आज इन्हीं की वजह से ये पाकिस्तान कायम है, अगर ये ना होते हम यहाँ कहाँ से होते? ये इन्हीं की वजह से, ये बच्चे हमारे बड़े जवान सारे इन्हीं की वजह से है। जी बिल्कुल, इन शहदा की कुर्बानियों की वजह से आज पाकिस्तान कायम दायम है और हम लोग इस आजाद फजा में जो है वो सांस ले रहे हैं। कुछ बच्चे भी मौजूद हैं। बेटा क्या कहोगे आज के दिन के हवाले से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो है शहीद हमारे, इन्होंने हमारे पाकिस्तान को बचाया और इनको और इस पाकिस्तान को बचाया और बुजदिलों को शिकस्त दी। बेटा आपको तराना आता है? जी हाँ आता है, सुनाओ। ए वतन तेरा इशारा आ गया, हर सिपाही को पुकारा आ गया, है जमीन साथ आसमान सा, तो भाइयों उठो करो बुलंद, हाँ यूं करो बुलंद सुरे सारा जहां। नारा तकबीर अल्लाहु अकबर, नारा तकबीर अल्लाहु अकबर। आजम बाजवा आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। 6 सितंबर के मौके पर शहदा गाजियों को सलाम पेश करने के लिए मुल्क भर की तरह खानका डोगरा में शहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। इस वक्त में नुमाइंदा रोज न्यूज महर असगर शहीद तनवीर हुसैन की फैमिली के साथ मौजूद हैं। जी असगर, क्या कहना है शहीद तनवीर हुसैन की फैमिली का, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं हवालदार तनवीर की कब्र पर, जहां पर उनके लवाहकीन मौजूद हैं। इनसे जानते हैं वो शहीद के बारे में क्या कहते हैं। जी हमें फख्र अपने वाल साहब के पर के उन्होंने सेक्टर शकरगढ़ में 2002 में दुश्मनाने जंग में लड़ते हुए अपनी जान का नजराना प्यारे वतन अजीज वतन पाकिस्तान के लिए पेश किया। और मैं इंशाल्लाह मेरा यही एम है कि मैं पाक आर्मी ज्वाइन करूं और मेरी वालदा की यही ख्वाहिश है कि मैं अपने वालिद की तरह पाक ज्वाइन आर्मी करूं और उनकी तरह अपनी जरूरत पड़ने पर अपनी जान का नजराना पेश करूं। इसके अलावा हमारे साथ तरीके इंसाफ के रहनुमा मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। मैं अपनी कौम और अपने बहन भाइयों से सिर्फ यही कहूंगा कि यही हमारे असल हीरो हैं जिन्होंने हम पर पाकिस्तान पर अपनी जानें कुर्बान कर दी। आज इनकी वजह ही से हम आज सो रहे होते हैं और ये रात सरहदों पर खड़े होकर अपनी जानें कुर्बान कर रहे होते हैं। मैं इस पर खराज तहसीन पेश करता हूँ शहदा को और सलाम पेश करता हूँ पाक आर्मी को। जी हाँ जी, मैनू पुत्र अपने तनवीर तो बड़ा फखर है जिन्हें अपने मुल्क वास्ते जान कुर्बान की है। जी जैसा कि आप लवाहकीन की बात सुन रहे हैं कि उन्होंने कहा कि पाक फौज का साथ देंगे और जरूरत पड़ने पर अपने खून का नजराना भी पेश करेंगे। जी शुक्रिया असगर इस हवाले से अपडेट करने के लिए। इसी तरह से रेहाड़ी के सपूत फातह लक्ष्मी पूर्व निशान हैदर का एजाज पाने वाले मेजर मोहम्मद तफैल शहीद के मिजाज पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। पाक फौज और मेजर तफैल शहीद के अहले खाना ने फूलों की चादर चढ़ाई और दुआ भी मांगी और फातह खानी भी की गई। इसी हवाले तकरीब का अहवाल रेहाड़ी से हाशिम सुल्तान की इस रिपोर्ट में देखिए। यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर फातह लक्ष्मी पुर सपूत रेहाड़ी निशान हैदर का एजाज पाने वाले
मेजर मोहम्मद तुफैल शहीद के मजार पर पुरवकार तकरीब का इनकार किया गया। तकरीब में पाक फौज के आला अफसरान और चाको चौबंद दस्ते ने इस्लामी पेश की, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मेजर मोहम्मद तुफैल शहीद के आबाई गांव तुफैलाबाद में होने वाली तकरीब में जनरल ऑफिसर कमांडिंग 26 डिवीजन भावलपुर ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जवेद बाजवा और कोर कमांडर भावलपुर की जानब से फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौके पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मेजर मोहम्मद तुफैल शहीद ने 1958 में जिला कोमिला लक्ष्मीपुर के मकाम पर मुल्क का दिफा करते हुए अपनी जान कुर्बान करके शहादत के अजीम मरतबे पर फायज हुए। उनकी लाजवाब बहादुरी के सिले उन निशाने हैदर के अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल फहीम ने कहा कि वो कौम नाकाबले तस्खीर होती है जिसके जवानों में शहादत का जज्बा मौजूद हो। हमें अपने शहदा पर फख्र है। पाकिस्तान की फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है जो अपने मुल्क का दिफा करना बाखूबी जानती है और अपने दुश्मनों को जेर करके उन्हें चाय भी पिलाती है। इस मौके पर मेजर मोहम्मद तुफैल शहीद के अहल खाना ने मजार पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। इस अजम का इजहार किया कि वतन अजीज की हिफाजत के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। वतन अजीज की बका और इसकी सलामती के लिए हर मर्द, नौजवान, बूढ़ा, बच्चा, औरत शहादत का जज्बा रखते हैं। कैमरा टीम के साथ हाशिम सुल्तान, रोज टीवी, मेहाड़ी। वतन के शहीदों को कौम का सलाम। रिंगपुर से ताल्लुक रखने वाले मेजर जकाउल्ला ने सोहनी धरती की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। वालिदैन को आज भी बेटे की कुर्बानी पर नाज है। शहीद की अजीम कुर्बानी का अहवाल काशिफ नजीर की रिपोर्ट में। ए पुत्र हटा के नीर के जे, ए पुत्र हटा के। 6 सितंबर का दिन पाकिस्तानी कौम को अपने उन शहदा की याद दिलाता है जिन्होंने वतन अजीज के दिफा की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश किए। रंगपुर के नवाही इलाके चक नंबर 649 TDA से ताल्लुक रखने वाले मेजर जकाउल हक शहीद भी इन्हीं जांबाजों में शामिल हैं जिन्होंने अपनी जान तो दे दी लेकिन मादरे वतन की नामुस पर हर्फ ना आने दिया। बेटे की शहादत पर फख्र करते हुए मेजर जकाउल हक शहीद के वालिद का कहना है, जकात जी प्राइमरी तालीम है मुजफ्फरगढ़ मिसाली स्कूल ही थी, हसन अब्दाल ग्रेजुएशन की थी, कराची मलीर जो कमीशन मिले मिलिट्री, बाकी वो बचपन का फौजी जवान आ ये पदेशी उनकी फौज भर्ती थी वन दा नाल नाल ये उनकी एक अपनी ख्वाहिश है शहादत शहादत की सबको बेशुमार फखर है। हमेशा मान के साको उनकी शहादत साको सहारा रहता है। जिंदा कौमें अपने शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखती हैं। मेजर जकाउल हक शहीद का नाम पाकिस्तान की अस्करी तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ में याद किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद अयूब सागर के साथ काशिफ नज़ीर चौधरी, रोज न्यूज, रंगपुर। लाहौर में यादगार शहादा पर शहरियों की हाजिरी का सिलसिला जारी है और लाहौर में यादगार शहादा में मौजूद है नुमाइंदा रोज न्यूज मोहम्मद नवीद मलिक, उनसे जानते हैं नवीद कैसा जज्बा देख रहे हैं आप, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज के दिन पाकिस्तान ने दुश्मन को नाको चने छुपाए थे और यहाँ पे यादगार शहादा पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे पाकिस्तान की जो आवाम है अपने जो जवानों को खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। इनके साथ साथ यहाँ पे कश्मीरियों के लिए भी इजहार यकजहती रखते हैं, इनसे जानते और बात करते हैं। जी आज के दिन के हवाले से आप क्या पैगाम देंगे और खासकर जो कश्मीरी भाई हैं उनके लिए भी क्या आप पैगाम देंगे? जी सबसे पहले तो रोज़ न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो इधर आए अपना यादगार शहदा पर आए, हमारी आवाज़ बने। देखिए जी सबसे पहले ये जो जंग हुई थी 6 सितंबर के हवाले से, जो हमारे फौजियों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया था, फौजी हमारे शहीद हुए थे, आज हम उनकी याद में ही उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं और उनकी यादगार पर फूल पेश कर रहे हैं। और रही बात दूसरी कश्मीर के हवाले से, ये जालिम मोदी ने तकरीबन 70-75 साल से कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है। हम मोदी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि कश्मीर को छोड़कर चला जाए वरना पाकिस्तान के हर घर से फौजी निकलेगा। जी, और आपने सुना कि शहरी पुरजोश और पुरअमन दिखाई देते हैं और इनका पाकिस्तान के साथ साथ कश्मीर के लिए भी इजहार यकजहती रखते हैं। हमारे साथ यहाँ पे और भी आए हुए हैं, इनसे जानेंगे ये आज के मौके पे क्या आप पैगाम देना चाहते हैं खसूसन। अस्सलाम वालेकुम, मैं मिली नगमे के थ्रू अपना पैगाम जो है आवाम तक पहुँचाऊँगा।
यादगार शोदा पे आए हुए हैं और सलाम पेश करते हैं शोदा को और मिली नगमे के जरिए। ऐ राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक के शहीदों। जी आपने सुना कि जो पाकिस्तान की आवाम है वो अपने राह वतन के शहीदों को सलाम पेश करते हैं आज के दिन। जी नवीद मलिक आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर गुजरात में मिनहाज रोड के जेर तमाम पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए अजीम शान रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला भर से नौजवान की बड़ी तादाद शरीक है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा रोज न्यूज सैयद आबिद अली से। जी सैयद आबिद अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, यौम दिफा के मौका पर जो है वो शोहदा को और पाकिस्तान आर्मी को खराज तहसीन पेश करने के लिए मिनहाज यूथ की जानब से जो है बहुत बड़ी रैली का जो है वो बंदोबस्त किया गया। ये रैली जो है शहीन चौक से चलती हुई जीटीएस चौक, जीटीएस चौक से जो है फौरा चौक, फौरा चौक से जो है नवाब चौक पर पहुंची है और यहाँ पर जो है वो मुकर्ररीन जो है वो भी मौजूद है और यहाँ पर जो है रैली का बहुत बड़ा काफिला जिसमें सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां और हजारों की तादाद में शुरका मौजूद है। यहाँ पर रैली में जो है वो पाकिस्तान अफवाज के लिए जो है वो नगमे भी गाए जा रहे हैं और नारे भी लगाए जा रहे हैं। इस वक्त रैली के मुंतजिम हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आज की इस रैली जो है उसका क्या मकसद है और ये रैली जो है ये कहां पर जाकर इख्तिताम पजीर होगी। जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से, सुनते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं होता। पाकिस्तानी कौम पाक फौज के साथ शाना बशाना हर महाज पर खड़ी है और मुल्क के दिफा के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान अवामी तहरीक की ये रैली बुनियादी तौर पर अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती का ऐलान कर रही है और हमारे जुमला फोरम्स इस बात का यादा कर रहे हैं कि मुल्क के दिफा के लिए हम किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना इनका ये कहना था कि गुजरात की अवाम जो है वो पाकिस्तान फौज के साथ जो है हम वक्त तैयार खड़ी है और इजहार यकजहती करती है। इस वक्त इस रैली के मुंतजिम यूथ लीग के नौजवान जो सदर है वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनकी रैली जो है वो कहां पर जाकर इख्तिताम पज़ीर होगी। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। अल्हम्दुलिल्लाह आज गुजरात की अवाम ने और स्पेशली यूथ और मुस्तफीसर मूवमेंट ने साबित कर दिया है कि गुजरात की अवाम शहीदों की धरती है और अपनी पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है और मिनहाज यूथ लीग के नौजवान दिफा की आखिरी लकीर साबित होंगे। आज की रैली का बुनियादी मकसद अपने शुहदा को खराज तहसीन पेश करना है और इस चीज का आजम करना है कि बड़ी से बड़ी कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो मिनहाज यूथ लीग के नौजवान उससे ग्रेज नहीं करेंगे और अपनी जानों का नजराना पेश करेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना इनका ये कहना था कि 6 सितंबर यौम दिफा भरपूर जोशो खरोश के साथ जो है वो गुजरात में मनाया जा रहा है और गुजरात की अवाम जो है वो शोहदा के साथ पूरा जम मौजूद है। मजीद किसी भी खबर की तस्वीर के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट rosenews.com.pk और देखते रहिए रोज न्यूज।